अभी अमित भाई बाबा को ले जाएंगे, आज समय का अभाव है, कृपया माफी चाहूंगा। एक एक भजन सबको सबसे रिक्वेस्ट है, एक एक भजन। हेलो बोल सच्चे दरबार इस दर पे जो भी आया हरदास है लगाया इस दर पे जो उसको मिला भरोसा हर लेगा कष्ट सारा। देखो जिधर उधर मेरे शाम का नजारा खाटू का शाम बाबा लगता है सबको सब को
बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा परिवार बाबा ने दे दिया। जय
जय श्री श्याम के स्टिकर, गाड़ी के स्टिकर लगने से ना मालूम पड़ जाता है श्याम से। हर पांच गाड़ी में से एक गाड़ी के पीछे जय श्री श्याम का स्टिकर। कितना बड़ा मतलब विश्वास है Thank you.
आवाज दिया। आइए कहिए सच्चे दरबार की। आइए सभी शाम प्रेमियों को जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को प्यार भरी जय श्री श्याम। एक बार सभी दिल की गहराइयों के साथ भट्टी भैया जय श्री श्याम जयकारा लगाएंगे बाबा के नाम का। बाबा को याद करते हुए बोलिए हारे के सहारे की सच्चे दरबार की शाम सहारे की। आइए मुझे आते ही मनीष भैया ने हुक्म कर दिया था जो भजन मुझे गाना है, हालांकि तय करके आया था कुछ और गाना, लेकिन मैं समझता हूँ भक्ति करने का ये भी एक अच्छा तरीका है कि हुक्म मान लिया जाए अपनी मन मर्जी ना की जाए, तो उसी हुक्म को मानते हुए बड़ा ही प्यार भरा भजन है आप सभी ने सुना है, मिलकर के गाएंगे सभी मिलकर के। बोलिए सच्चे दरबार की। हालांकि आज बड़े सीनियर यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं, बंटी भैया, आशू भैया, राजू भैया और भी अनेक कलाकार यहाँ हैं, तो समय को ना गवाते हुए सीधा बाबा के चरणों पे समर्पित होते हैं।
रुकुन माइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, शाम की याद आई है, शाम की याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो, क्योंकि इबादत से भी धड़कनों में खलल पड़ता है, तेरी रहमत का जो संदेश बोलिए श्याम प्यारे की बताइए ताल में ताली कैसे करके और कहना क्या है, मजा आ गया, 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 ये दोनों हाथ बिल्कुल जुड़े की तरह सीधे और कहना है क्या, आजा सावरिया तेनू Thank you.
बोलते रहे। आइए आशु वर्मा जी के लिए एक जोरदार तालियां। अगली हाजिरी हमारे बड़े भैया आशु भैया बाबा के चरणों में रखेंगे। हेलो 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 जगदीश हेलो तुम्हारे हाथ है बचाए रखना लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना मरते दम तक सेवा में अरे मरते दम तक से थोड़ा बोली बोली आपको भजन समझ में आ रहा है किस किस को आ रहा है एक बताए जरा खाली एक बार बस ऐसे बोलो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए। बहुत सारे वक्त बहुत सारी बात मन में लेकर के आते हैं कि हम आज दरबार से ये मांगेंगे आज दरबार से हम ये मांगेंगे लेकिन मैं सबसे पूछना चाहूंगा जो इसकी दया का हाथ माने आए हैं जो चाहते हैं कि इनकी दया का हाथ हमारे सर पर हमेशा बना रहे वो एक बार हाथ उठाना बाकी से बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगा। आओ दोनों हाथ चला करके वन टू थ्री लाज तुम्हारे हाथ में है लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना मरते दम तक सेवा में लगा थोड़ा सा अब ऐसे गाना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक अरे ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे ये जीवन तेरे हवाले तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले तेरे हाथ में जीवन की सौगात है तेरे हाथ में जीवन की सौगात है
अरे मेरे मन का मोहन तू दिल अरे हाय काली कमली वाला मेरा यार है ये बात काली कमली अरे मेरे मन का मोहन इसकी कृपा ऐसी है कि मैं रोज गुनाह करता हूँ ये रोज बख्श देता है मैं रोज गुनाह करता हूँ ये रोज बख्श देता है मैं आदत से मजबूर हूँ ये रहमत से मशहूर है ये ठाकुर की ऐसी कृपा है कि हम यहाँ इस दरबार में बैठे तो इसकी कृपा है अगर ये बात को समझते हो कि ये हमें बुला रहा है हम खुद नहीं आए तो ताली बजा के कहना इतनी कृपा सांवरे बनाए ओ बाबा अब तो हर पल खाटू वाले मुझ पर तेरी नजर है अब तो हर पल खाटू वाले अब ना कोई चिंता मुझको अब ना कोई फिकर अब ना कोई फिकर है रे बाबा अब ना कोई और बाबा महक रहे इस गुलशन को गुलशन बोलते हैं परिवार को एक बोला मेरा पड़ोसी है गुलशन बोलो खाटू नरेश की इस गुलशन को ऐसे बनाए रखना इस परिवार को ऐसे बनाए रखना अगर आप चाहते हैं हाथ उठाने की जरूरत नहीं ये तारियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए दरबार में ये लास्ट लाइन है दरबार में और कहना महक रहे इस गुलशन को गुलशन को गुलशन को गुलशन को महक रहे इस गुलशन को बनाए रखना महक रहे इस गुलशन को बनाए रखना मरते दम तक सेवा में ओ मरते दम तक सेवा में अरे इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना बोली हारे के सहारे की जय बोलो खाटू नरेश की जय आइए उतार करें एक बार आशीर्वाद के रूप में प्रेम से जय बाबा जी जय बाबा जय श्री कृष्ण थैंक यू बोले खाटू नरेश की लखदातार की सच्चे दरबार की खुशी की इस पावन घड़ी में सबसे पहले तो हमारे बीच में आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े भाई साहब आदरणीय रथवीर सिंह जी लखा अपना कीमती समय निकाल कर शाम की जोत में हाजिर हुए जोरदार तालियां और बाबा की विशेष कृपा जब होती है तो ऐसे उत्सव होते हैं और ये कृपा अभी हमारे भाई मनीष भोरा और इनके पूरे परिवार पे हुई मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ उनका भी जन्मदिन उनकी लाडली बिटिया का भी जन्मदिन और ऐसा पावन अवसर जोरदार तालियां बजा के बोलिए लखदातार की और इसी मध्य हमारे बीच में देखो भैया हैं बंटी भैया फरीदाबाद से
दिल लग गया, जुड़ाव हो गया साईं मंदिर से, वहां से चल के आए। आइए मैं गुजारिश करूंगा कि श्याम प्रभु के चरणों में एक फूल। बोली श्याम प्यारे की, हरे के सहारे की, बाबा की कृपा बरस रही है। और आज एकादशी पर सभी को बाबा का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बाबा के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बड़े भैया लेखा जी का आशीर्वाद चाहूंगा। राजू भैया समय को देखते हुए सिर्फ एक हाजिरी बाबा के चरणों में, क्योंकि सभी को सहारा है, आसरा है बाबा का। बोलो श्याम प्यारे की जय। सबकी सुनते हैं, कोई कहीं भी रहे, घर में रहे, बाहर रहे, जंगल रहे, पहाड़ रहे, जो दिल से याद करता है बाबा की कृपा हो ही जाती है। श्याम है मेरी आत्मा, श्याम है दिल का चैन, जिन नैन में श्याम नहीं, सोने हैं वो नए, सोने हैं वो नए, हमको तो आसरा है ए श्याम मुरली वाले। अच्छा स्केल अगर डाउन लगे तो ऊंचा भी बोल सकते हैं। माताएं बहनें तो आराम से बोलेंगी। हमको तो आसरा है ए श्याम, मिलके जरा जिनको आसरा है मेरे बाबा का वो प्रेम से कहिए। हमको तो आसरा है ए Oh,
ताली बजा के बाबा को सुनाए दिल से कहें हमको तो सेवा स्वीकार कीजिए। बहुत खूब जोरदार तालियां, क्या बात। एक से एक श्याम भजन गायक श्याम भक्त साईं दर्शन मंदिर में हाजिरी लगाते हैं और उसी कड़ी में एक तो मैं ये जो जलसा आप देख रहे हैं, जो आनंद बरस रहा है, जिनकी कृपा से ये सब संभव हुआ, आज बेशक वो हमारे बीच में नहीं है पर उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में हैं। इस साईं दर्शन मंदिर के संस्थापक प्रेरणा स्रोत हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले आदरणीय राजकुमार जी परशुरामपुरिया का आज हम सभी नतमस्तक होके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाबा के चरणों में यही अरदास करते हैं कि जो
वो हमारे बीच में यादें छोड़ के गए, जो उन्होंने ये सब सेवाएं की वो हमेशा तातलक जिंदगी याद रखी जाएगी। अब मैं रामोतार भैया से गुजर, आइए आइए कोई बात नहीं, सबका देखो भैया हम लास्ट में भैया गालेंगे एक भजन, कोई बात नहीं, वो सुनने के लिए आए, आपको मालूम होना चाहिए। तो जो हमेशा बाबा के दरबार में आते हैं, छोटा छोटा भजन लीजिए बस। हैं गाओगे? पक्का सोच लिया? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। छोटा वजन बड़ा वजन क्या हो, कहते हैं बड़े बड़े फनकार को देखकर आवाज अपने आप बंद हो जाती है, मगर दरबार आना नसीब। अभी सभी ने क्या, बाबा ने बुलाया, बाबा ने बुलाया, सभी भक्तों ने भजन गाने से क्या, बाबा ने बुलाया। बाबा प्रारब्ध में लिख देता है कि ये भजन की सेवा में श्याम बाबा की सेवा में लगे। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, तुमसे मिलनी नहीं है, और मुझे तुम भुला दो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? अपना तो रिश्ता है जन्मों जन्म का, कैसे बना, ये मेरा प्रारब्ध है या अच्छे कर्म, कोई पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे तभी बाबा की सेवा का मौका मिला। मेरे दोनों हाथों में, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, तुमसे मिलने होगा मेरी तकदीर है, वो लिखा है ऐसा बाबा इन हाथों को देख।
हाथों को देख बाबा, इन हाथों को देख बाबा, इन हाथों को देख। मेरे दोनों हाथों पे, मेरे दोनों हाथों पे ऐसी लकीर है, तुमसे मिलने होगा मेरी तकदीर। जरूर मिलूंगा, मिलने से पहले तुम्हें अपना दीदार जरूर दे दूंगा, अभी नहीं चाहिए। जहां भी जिसने भी दीदार पाया वो उसके बाद जी नहीं सका। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा, कैसे मिलन हो समय ही बताएगा। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा, कैसे मिलन होगा समय ही बताएगा। वो समय क्या, बाबा को हाथ दिखा के कहो इन हाथों को दी करार हूं। ऐसे भैया को रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, पर साईं दर्शन मंदिर का नाम सुनते भैया के मुंह से कभी ना शब्द नहीं निकलता है। हम हृदय से भैया के आभारी हैं, उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए ऐसे भजनों के सुंदर गले के मालिक लखवीर सिंह जी लखा के लिए जोरदार तालियां।
2700 उसको उठाने के लिए पुलिस आ गई है, तो मैं जिस भाई की भक्त की ये गाड़ी है उससे गुजारिश करूंगा कि एक बार जाके जब ये अच्छा सा सेटलमेंट हो करके जरा गाड़ी अपनी दिखाने पर लगा। बोलिए लखदाता की क्या करूँ। साइड हट जाओ भाई साइड। हेलो हेलो एकदम सही समय पे आते हो। हेलो सही 11 बजे प्रसादी का टाइम हम रखते हैं। बड़े बराबर हेलो धन्यवाद बड़ा। हेलो थोड़ा बड़ो। हेलो थोड़ा इधर कम करो। हेलो थोड़ा सा और कम। हेलो ट्रिपल खोलो जरा। हेलो हारमोनिका खोलो। श्याम प्यारे की लखदा तार की खाटू नरेश की जय। सावन का पावन मास और मंगलवार की एकादशी बाबा श्याम पूरा महीना अपने भक्तों को खूब मंगल रखे खूब खुशहाल रखे ताकि अगले एकादशी को फिर इससे दुगना आनंद आए। क्योंकि आर्थिक शक्ति मजबूत होगी तो तभी भगवान याद आता है। बोले श्याम प्यारे की जय। मैं खंडेलवाल जी कुछ ज्यादा ही तारीफ करते मेरी और ये मेरा अपना भाग है मैं समझता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग की तैयारी तो थी और एक पुरानी फाइल को मैं निकाल रहा था तो एक उसमें बहुत ही सुंदर भजन निकल आया शायद बाबा ने ही निकलवाया तो मैं उसी को मेरा ख्याल है कि इस पावन अवसर पर उसे ही बाबा को सुनाऊं आप सभी सुने। श्याम का दरबार जो गए हैं वो जानते हैं कि जो एक बार आता है खाटू वो फिर बार बार जाता है। वैसे मेरे 40 साल पूरे हो गए पिछले 11 को गाते हुए भी उम्र 40 हुई है। नहीं नहीं तेरे मुंह में घी शक्कर देने वाले मुझे मौजों की रवानी दे दे फिर मुझे एक बार मेरी जवानी दे दे। वाह क्या बात। मौजे गम मौजे गम उसे डरा नहीं सकती कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। मौजे गम उसे डरा नहीं सकती कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। मिल गई जिसे श्याम प्यारे के चरणों की धूल दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। हाथ की टेढ़ी लकीरें सीधी हो सकती है हाथ की टेढ़ी लकीरें सीधी हो सकती है। क्या कहूं तेरे दरबार में तो किस्मत ही बदल सकती है।
जब इनके दर पे आता है ये इनकी हाजिरी जरूर अपने चरणों में कबूल करते हैं। ये मेरा पर्सनल विचार है, क्योंकि गुरु की वाणी में भी एक लाइन आती है, बाप का जन्म क्या जाने पूत, बच्चे कितने भी गुनाह कर लें लेकिन माँ बाप उन्हें क्षमा कर देते हैं अगर उसने रो के कह दिया कि मुझसे गलती हो गई। ये तो दुनिया के विधाता हैं, यहाँ केवल आके शीश नवाना ही काफी है, बाकी तो सब ये जानते ही हैं कौन क्या है, पर फिर भी कहना तो पड़ता ही है। वैसे तो ये त्योहारों का महीना है, पूरा वर्ष भरी अपने देश में त्योहार रहते हैं, पर इस ये महीना खासकर जैसे भोलेनाथ जी को प्रिय है, श्याम को भी बड़ा प्रिय है, माँ के भक्त माँ को मनाते हैं तो श्याम के भक्त श्याम को, हम सारे इन्हें मनाने आए हैं। सुनिए और गाइएगा भी। बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी को ठाकुर का आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में बाबा की पावन नगरी खाटू धाम से बाबा के परम सेवक आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। खाटू श्याम बाबा आए हैं तुझको मनाने, श्याम बाबा आए हैं तुझको मनाने, चाहे तो चाहे तू माने।
और सदियों तो नहीं खंडेलाल जी, ये लाइन सुनना, सदियों पुराने नहीं, हम तो तेरे भैया ये हमारे साईं मंदिर की ये तो खासियत है, देखना हम भी तेरे सेवक हैं दशकों पूरा, हम भी तेरे 40 साल दशकों पूरा चाहे तुम्हारे
ताली बजती रहनी चाहिए भाई। शर्मा जो भी आया है दरबार में, कष्ट हर लेते हो जो भी भर देते हो गए शाम चाहे तो एकादशी की रात अपना अपना नाम लेके आप पुकार सकते हैं। शर्मा कावड़िया संघ जमशेदपुर, ये बहुत पुराना भजन निकाला मैंने, कम से कम 20 साल पुराना भजन है। बहुत सुंदर गुरुजी रामलाल जी शर्मा जिनका ये भजन है, आप चाहे तो अपना नाम भी ले सकते हैं, अपना अपना जैसा भी बोलिएगा। शर्मा 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 जो भी आया दरबार में, कष्ट हर लेते हो झोली भर देते हो ऐ श्याम बाबा। पानी नहीं तुम सा संसार में, सबको मर देते हो अभय कर देते हो ऐ श्याम बाबा। लखा चला आया भाग अपने जगाने, राजू चला आए भाग अपने सब अपना अपना नाम लेके बोलिए बाबा, बोलिए बाबा। मैं भी चला आया भाग अपने जगाने, बोले तीन बाणधारी की, बोले लीले के सवार की जय। मैं आज के इस प्रोग्राम के आयोजक भाई मनीष जी बोरा से ये गुजारिश करूंगा कि आदरणीय बड़े भाई साहब लखा सिंह जी का और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया रानी को बहुत बहुत बधाई हो, बाबा ऐसे ही आपको स्वस्थ रखे, क्योंकि इनके दरबार से अगर मांगे तो पता मैं क्या मांगता हूँ वैसा ही मांगना चाहिए। अगर इसमें आप सहमत होंगे तो आप भी मांगिए। सबसे पहले मैं मांगता हूँ कि बाबा मुझे सद्बुद्धि देना। देखिए अभी ये दो गाड़ियों का नंबर और लगा दिया पुलिस वालों ने। मैं दो ही चीजें मांगता हूँ इनसे, 2320-1290 जो भी शाम भक्ति की हो प्लीज उसको जरा साइड में लगा ले। पुनः स्वागत लखा जी का, आप लोगों की तालियां। जय हो, जय हो। दो ही चीजें मांगनी चाहिए, एक तो सद्बुद्धि, मेरी बात से सहमत हो तो हाथ उठा के बजाए मुझे। 2320-1290 दोनों गाड़ियां जल्दी हटा लें। सद्बुद्धि मांगनी चाहिए ना, और दूसरा तंदुरुस्ती, फिर अपने आप सब आते रहेगा। जय हो, जय हो, जय हो। क्या अब जब बीमारी हो गया तो फिर गाएंगे क्या? सही बात। बाबा तेरे दर पे जो भी आया है उन्हें सद्बुद्धि देना और तंदुरुस्ती बख्शना मेरे जैसी, कि तेरे ऐसे ही गा गा के चरणों में हाजिरी लगाते रहे। आइए सावन का मास है देखो, और शाम के गुजारी जो है, जैसे शाम को सावन मास बड़ा प्रिय है वैसे महादेव जी को भी है, तो एक बार सारे हाथ ऊपर, पूरे लंबे लंबे हाथ। हेलो, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए बाबा भूतनाथ की जय, बोलिए कड़कड़ महादेव की जय। आज बाबा को जो इतना सुंदर सजाते हैं हमारे मंदिर में, ऐसे बाबा की कृपा के पात्र जिन्होंने बाबा को इतना सुंदर सजाया, कुमार भाई उनका भी आज जन्मदिन है। हम सभी आए हुए भक्त उनको हृदय से मुबारकबाद देते हैं और बाबा को ऐसे ही सजाते रहे, क्योंकि जो बाबा को सजाते हैं बाबा उनकी दुनिया को सजा देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई है आपको। आप भी यार मोबाइल के चक्कर में पड़ गए, किताब लाते थे
खोल के चल रहे हो जाते थे। अपने ये सिस्टम काम के नहीं है भैया, दिल्ली में बड़ा हुआ है। कहते हैं अजीब अजीब भक्तों को मंजर दिखाई देते हैं, हमें तो हर एक चीज में भोले शंकर देते हैं। और मिल गई जिन्हें भोलेनाथ के चरणों की धूल, वो बड़े मुकद्दर के सिकंदर दिखाई देते हैं। ओ सावन का महीना चलिए चल चलिए Thank you.
साल 28, 29, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 तक मैंने 9 साल बाबा को कावर चढ़ाई पैदल। सुल्तानगंज से देवघर जो गए हैं वो जरा हाथ उठाए। देवघर कौन कौन गए? बोले नाथ की नगरी रावणेश्वर बैतला कौन कौन गए मेरा हाथ ऊपर। चलिए कोई नहीं, जो नहीं गए मेरे साथ एक हाथ में गए। दरबार में बाबा का झूला आप सारे देख रहे हैं। आप झूला, अरे आपके इंक्रीजमेंट के लिए अर्जी लगा रहा हूँ। सिर्फ अगले महीने से 21 पे पहुंच जाएगी गाड़ी। 21 बोला करो मजाक। सुनो झूले 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 झूले
अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, आप अपने मुख से भी गाएं और हाजिरी लगाएं श्याम के चरणों में, जैसे भी गाएं। श्याम झूले श्याम झूले श्याम झूले परिवार में खुशियां आई, भैया का जन्मदिन तो है ही, साथ ही साथ हमारी बहुत ही प्यारी बिटिया दिव्या का भी आज जन्मदिन है, तो आइए ये लो आपके लिए भैया आशीर्वाद दे रहे हैं। हम बाबा के दरबार में एक छोटी सी रश्म बाबा को भोग लगाने की अदा करें, मचाऊंगा तालियां तो बजा दीजिए ऐसे सुंदर अवसर के लिए। कुमार आ जा तू भी, अरे अपने घर का आदमी क्यों संकोच, शर्माया मत कर, आ जाओ सभी, तालियां मस्ती रहनी चाहिए। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्याम धनी का देखो कीर्तन करवाया है, मिश्री मावे का एक के। मैं गुरुजी आदरणीय पुरुषोत्तम जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आए आशीर्वाद दें, और मैं भाई मनीष बोहरा और रमेश जी बोहरा से गुजारिश करूंगा गुरुजी का, और आप सभी जोरदार तालियां बजा के परमादरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोले खाटू नरेश की, बोल सच्चे। हाँ जी दिव्या जी, मनीष जी, कुमार सब तैयार हैं ना, मिलके जरा पूरे हाथ उठा लेना और गाते हैं। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक बनाया है, इसको चखे की दिव्या तू, पूरे हाथ उठाइए, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये दलित हंसाते रहो सखी दुआएं हैं, हंसे हंसाते रहो सखी दुआएं हैं, प्यार तुझको लगाएगी सखी उमरिया, तुझको लगाएगी सखी उमरिया, इसके सिवा क्या तू, पूरा हाथ उठाकर हम सबको देंगे हैप्पी बर्थडे, हेलो 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 अजय भाई।
देखो मैं आपको एक बात बता दूं, रोक देना एक बार, ये दिव्या गाती भी बहुत अच्छा है और आज तुझे जीवन का सबसे अच्छा मौका मिला है, ये बड़ी खुशियों की बात होती है। चलो गा दे। हेलो भाई, इंतजाम कर दिया है तुमने रोजी रोटी का, इंतजाम कर दिया है तुमने रोजी रोटी का, विश्वकर्मा जी से नक्शा करा दे रोटी का, विश्वकर्मा जी से नक्शा करा दे रोटी का, इंतजाम कर दिया है तुमने रोजी रोटी का, इंतजाम कर दिया है तुमने रोजी रोटी का, विश्वकर्मा जी से नक्शा पास करा दे रोटी का, विश्वकर्मा जी से नक्शा पास करा दे रोटी का।